सर, मेरा नाम शेख नसरुल आलम है। हम वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। तो दिल्ली पहला बार है, तो इससे पहले कभी नहीं आए थे। एक उम्मीद लेके आए हैं स्किल्ड हिंदुस्तान में। तो यहाँ जैसा जैसा हम लोग का कंटेंट है, जो जो हम लोग का, वो सभी सिखाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन किया जाता है। उसका बाद उसका हम लोग को थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ होता है। तो हम लोग को स्टार डेल्टा स्टार्टर अभी तक कंप्लीट हो गया है, डीजी ट्रांसफार्मर हम लोग का 9 दिन में। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तानी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वीडियोज़ को इस तरह लाइक कर रहे हैं। और भाई, हमारे ये 21st बैच के बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ा आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और उसके बाद में ये आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, लंबा चौड़ा पैनल है भाई। इस पैनल को भी समझेंगे क्या कुछ इसके अंदर लगा रहता है, कैसे पावर आती है, कैसे जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, क्या सेफ्टियाँ होती हैं, काफ़ी कुछ आज समझने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम टीम से ले लेते हैं। तो इधर से चालू करते हैं, पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम शेख नसरुल आलम है। हम वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। तो दिल्ली पहला बार है, तो इससे पहले कभी नहीं आए थे। एक उम्मीद लेके आए हैं स्किल्ड हिंदुस्तान में। तो यहाँ जैसा जैसा हम लोग का कंटेंट है, जो जो हम लोग का, वो सभी सिखाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन किया जाता है। उसका बाद उसका हम लोग को थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ होता है। तो हम लोग को स्टार डेल्टा स्टार्टर अभी तक कंप्लीट हो गया है, डीजी ट्रांसफार्मर हम लोग का 9 दिन में ऑलमोस्ट। ये सब का बारे में, इसका क्या क्या फॉल्ट आता है, हम लोग कैसे इसका मेंटेनेंस करेंगे, पैनल के बारे में थोड़ा देखो भाई, चेक भी कर लेते हैं इन्होंने क्या पढ़ा है। इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है ये। सर, डीजी पैनल है। ओके, ठीक है। ये है हम लोग का कॉन्टेक्टर स्विच है। क्या बोलते हैं इसको? इसको TNC बोलते हैं, कंट्रोल स्विच। ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, अगर हम लोग क्लोज में करेंगे तो डीजी ऑन हो जाएगा। उसका बाद नहीं, ब्रेकर, ब्रेकर हमारा ब्रेकर, डीजी का ब्रेकर ऑन हो जाएगा, ब्रेकर ऑन हो जाएगा। हाँ। और ये हम लोग का लगा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर है ये। लैंसर एंड टर्बो कंपनी का है। और इसका बाद यहाँ हम लोग का ये क्या है? ये इसका सर हैंडल है। जब इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, जब हम लोग का ये हैंडल को हम लोग चार्ज करते हैं, हैंडल को हम लोग अप डाउन करके इसको चार्ज करेंगे, तो यहाँ चार्ज का इंडिकेशन आ जाएगा। जब ये चार्ज नहीं रहेगा तो ये इंडिकेशन चार्ज का नहीं रहेगा। तो ऐसे ही करके इसके अंदर हम लोग ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट, ये सब हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसका टाइमिंग भी है, यही करते हैं हम लोग इसके अंदर। इससे अगर रैक इन रैक आउट करना है तो कैसे रैक इन अगर करेंगे सर, यहाँ ये बटन दिया हुआ है, इसको हम लोग पुश करेंगे, हैंडल है, इसको हम लोग ये करेंगे। और यहाँ एक तो हैंडल, एक तो ये यहाँ लगा के इसको एंटी क्लॉक वाइज अगर घुमाएंगे तो रैक आउट होगा, अगर क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो रैक इन हो जाएगा। तो जब ये रैक इन और रैक आउट होगा तो यहाँ इंडिकेशन है, यहाँ आइसोलेटेड है, टेस्ट है, सर्विस है। तो ऐसे ही करके हम लोग का इंडिकेशन आएगा। बहुत बढ़िया।